हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड नाइन्थ। वी आर इन चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 के कुछ वीडियोस भेजने के बाद आज हम 13.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक सम सॉल्व करके मैं भेज रहा हूँ। तो बच्चों, ये सम कॉनिकल शेप के अंतर्गत है और अगर आपके पास कॉन शेप का कोई भी चीज़ है विच इज़ अ कॉनिकल इन शेप, तो उसका कर्व सरफेस एरिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज दिस, ये जो पूरा है वो कर्व सरफेस एरिया बनता है कॉन में, जो आप फिगर देख रहे हो। और टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस, सर्कुलर बेस, वो भी आ जाता है, वो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब कॉन में दो प्रकार की हाइट होती है, एक हाइट जो आप का जो सर्कुलर बेस है उनसे बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है सेंटर में से होता है यहाँ पर टेक्स से, दैट इज़ योर वन हाइट, एक ये हाइट है। और एक दूसरी जो स्लांट हाइट है, ये वाली बाहर के सरफेस की तरफ, इस हाइट को स्लांट हाइट कहते हैं। इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लांट हाइट को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एक आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरी, कभी कभी वो लोग सम में स्लांट हाइट नहीं देते हैं, तो जब भी स्लांट हाइट नहीं दी गई होती है तो आपको अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके फॉर्मूला यूज करके स्लांट हाइट को फाइंड कर सकते हो। अब सी एस एम मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कॉन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है पाई आर एल, मतलब आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी हर जगह पर। तो जहां पे स्लांट हाइट नहीं दी होती वहां पे ये हाइट दी गई होगी और रेडियस तो दिया ही गया होगा, या फिर डायमीटर दिया गया होगा जिसमें से आपको रेडियस फाइंड करना, तो वो तो आप कर ही सकते हो। तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विच यू टू रिमेंबर व्हेन यू आर सॉल्विंग 13.3 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13। ठीक है, अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके भेज रहा हूँ इसका वीडियो, जहाँ पे आपको एक सर्कुलर चीज़ है जिसका डायमीटर दिया है 10.5, स्लांट हाइट भी दी गई है 10 सेंटीमीटर और आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, सी एस ए। ठीक है, तो वही वेरी सिंपल सी एस ए की फॉर्मूला है आपका पाई आर एल, मतलब आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी और पाई की वैल्यू तो 22/7, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड 3.14, यू टू टेक 22/7 ओनली, दैट यू ऑलरेडी नो। नाउ अगर मैं डायमीटर है तो उसका आधा करूँगा तो रेडियस मिलेगा, तो 10.5 का आधा 5.25 वी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 10.5 ही रखा है, ऐसे ही डिवाइड बाई 2 करके रख दिया है, आप 5.25 लेकर भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। नाउ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, रेडियस गिवन, स्लांट हाइट गिवन, सो आई हैव नाउ लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला पाई आर एल, जहाँ पाई की जगह 22/7, रेडियस 10.5 लिया है और इसमें से मैंने डेसिमल को रिमूव किया तो नीचे 10 लगा दिया और 2 तो नीचे था ही और स्लांट हाइट जो 10 है उसको मैंने यहाँ जोड़ दिया है 10 से। अगर आपको 10.5 डिवाइड बाई 2 नहीं लेना है तो आप 5.25 भी ले सकते हो, मैं फिर से यहाँ पे आपको याद दिला दूँ, फिर ये उठ जाएगा, ये 10 उठ जाएगा, 2 और 11 उठ जाएगा, बाकी जो बचता है 10.5 इंटू 11 डिवाइड बाई 7 करोगे तो आपको 165 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, विच इज द आंसर ऑफ योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टेंट। तो जब भी आपको कॉनिकल टेंट की कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल। बच्चों, बाकी के कुछ 4 सम्स है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, और अगर इसमें से कोई भी डाउट हो कोई भी सम में तो मुझे ज़रूर भेजना ग्रुप में, मैं उसका वीडियो बनाकर ज़रूर भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।